नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अलवेज विनर में। दोस्तों, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया का जो फर्स्ट T20 मैच है, इस मैच की मेगा लीग की 6 टीम्स ऑलरेडी हमने बनाई है और ये 6 टीम्स मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अगर बात करेंगे तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जो भी 6 टीम्स मैं आपको टॉस के बाद प्रोवाइड करूँगा। देखिए, मैच कब स्टार्ट होगा? मैच होगा 10:30 पर मैच स्टार्ट होगा। आपको 10 बजे ऑनलाइन रहना होगा, 10 बजे लाइनअप आ जाएगी। लेकिन 10:15 पर, मतलब लास्ट के 15 मिनट में, आपको मेगा लीग की 6 टीम्स प्रोवाइड करूँगा। लेकिन 6 टीम जो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा वो 90% रेडी होगी, 10% आपको उसमें चेंजेस करना होगा। देखिए, पूरी की पूरी टीम जो होगी वो चेंज होगी, उसमें आपको कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन फिर भी अगर आप एक से लेकर दो चेंजेस करते हैं, जैसे कि कोई कैप्टन वाइस कैप्टन, या फिर आप किसी प्लेयर को रिमूव करते हो या फिर नए प्लेयर ऐड करते हो, तो ये 10% जो होता है वो आपका लक होता है। और अगर ये 10% आपका लक चल गया तो आप ग्रैंड लीग या फिर मेगा लीग विन कर सकते हैं। इसलिए आपको टीम में कुछ ना कुछ चेंजेस करना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी। लेकिन बात करेंगे टेलीग्राम चैनल पर, तो टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। साथ ही साथ जो फर्स्ट कमेंट ओपन होगा उसमें भी आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी। लिंक पे क्लिक करके स्वयं हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। और साथ ही साथ आपके लिए यहाँ पे 50,000 रुपये का फ्री गिवअवे रखा है विजन 11 पे, तो इजीली पार्टिसिपेट करके आप विन कर सकते हो। जो भी मेगा लीग की 6 टीम्स है आप इजीली यहाँ पे लगा सकते हो दोस्तों। साथ ही साथ स्मॉल लीग का वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है, तो आप यहाँ पे स्मॉल लीग का वीडियो भी देखना, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब सबसे पहले तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली। जस्ट मिनट गाइस, ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाली दोस्तों, क्योंकि अगर इन्फॉर्मेशन हमारे पास होगी तो हम यहाँ पे मेगा लीग की टीम अच्छी तरह से बना सकते हैं। देखिए, अगर आप मेगा लीग प्ले कर रहे हो, ग्रैंड लीग प्ले कर रहे हो, मिनी ग्रैंड लीग प्ले कर रहे हो, तो आप अपने हिसाब से प्ले कर सकते हैं। और आपका फोकस मेगा लीग पे या फिर ग्रैंड लीग पे होना चाहिए। मिनी ग्रैंड लीग की अगर बात करेंगे तो आप मिनी ग्रैंड लीग भी प्ले कर सकते हैं अपने हिसाब से। कम से कम 5,000 या फिर 10,000 लोगों में अगर आप प्ले करोगे तो आपके मिनी ग्रैंड लीग विन करने के भी चांसेस बढ़ जाएंगे दोस्तों। बात अगर करेंगे दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले आपको करना है क्या, आपको स्मॉल लीग का वीडियो देखना इंपॉर्टेंट है। स्मॉल लीग का वीडियो देखना क्यों इंपॉर्टेंट है, या फिर आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, ये स्मॉल लीग का वीडियो अगर आपने देख लिया तो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन होगी वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे देखिए, पिच रिपोर्ट की अगर बात करेंगे तो आपको पता है कि यहाँ पे T20 ब्लास्ट के मैचेस जो अभी फिलहाल के लिए खेले जा रहे हैं इस पिच पे, तो आपको ये अंदाज़ा आ जाएगा कि इस पिच पे कितना स्कोर बन सकता है। बैट्समैन चलेंगे या फिर बॉलर चलेंगे, प्लेयर्स का मैच का रिकॉर्ड आपको पता होना चाहिए। लास्ट के 5 मैचेस का रिकॉर्ड जो है रोहित शर्मा का, वो भी आपको पता होना चाहिए। हार्दिक पांड्या का, जैसे कि आयरलैंड वर्सेस इंडिया के बीच में मैचेस हुए थे, तो ये सभी रिकॉर्ड आपको पता होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। ओपनिंग बैट्समैन इस मैच में शायद इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि पिच जो है वो बैट्समैन प्लस बॉलर दोनों को भी सपोर्ट करते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। कौन किस नंबर बैटिंग करने के लिए आएगा, ये इंपॉर्टेंट होगा इंग्लैंड की तरफ से। तो आपको पता होना चाहिए कि डेविड मलान किस नंबर पर आएंगे, क्या मोइन अली को ऊपर भेजा जाएगा या फिर नीचे में भेजा जाएगा, तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ओपनिंग एंड डेथ बॉलर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, अगर बॉलर्स को अगर सपोर्ट मिलेगा, जैसे कि टॉस होता है और टॉस के बाद हमें पता चलता है कि इस पिच पे बॉलर्स को सपोर्ट मिल सकता है, तो ओपनिंग एंड डेथ बॉलर्स इंपॉर्टेंट होगी। क्योंकि कभी कभी होता है दोस्तों कि जो ओपनिंग बॉलर होता है वो भी विकेट निकालता है, जो डेथ में बॉलिंग करते हैं तो ये भी विकेट निकाल देते हैं दोस्तों। उसके बाद जो चारों कंप्लीट करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मोइन अली है, वो चारों कंप्लीट करेंगे, लियाम लिविंगस्टोन है, चारों कंप्लीट करेंगे या नहीं करेंगे ये भी आपको पता होना चाहिए। हार्दिक पांड्या ओवर करेंगे या नहीं करेंगे ये भी पता होना चाहिए। तो ये सभी कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी स्मॉल लीग के वीडियो बताई है, तो आपको इस वीडियो को देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, यहाँ पे प्लेयर बैटल की अगर बात करेंगे, देखेंगे यहाँ पे इंग्लैंड के बैट्समैन है और यहाँ पे इंडिया के बॉलर्स है। तो प्लेयर बैटल की अगर बात करेंगे तो आप देख सकते हैं जेसन रॉय को युजवेंद्र चहल ने 3 बार आउट किया। ये आपको देखते हुए चलना है कि यहाँ पे 50 बॉल में 68 रन दिए हैं और 3 बार आउट किया है। तो एक तरह से जेसन रॉय जब बैटिंग करेंगे और युजवेंद्र चहल उनके सामने आएंगे तो युजवेंद्र चहल उन्हें आउट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको करने के, आपको यहाँ पे वीडियो पॉज करके यहाँ तक यहाँ पे स्क्रीनशॉट निकाल देना चाहिए। स्क्रीनशॉट निकाल दीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ग्रैंड लीग की टीम्स बनाने के लिए। उसके बाद दोस्तों बात अगर करेंगे, आप देख सकते हैं जॉस बटलर की, तो भुवनेश्वर कुमार ने जॉस बटलर को 3 बार आउट किया है। उसके बाद आवेश खान ने अगर खेलेंगे तो 2 बार आउट किया है और युजवेंद्र चहल ने भी 2 बार आउट किया है। तो जॉस बटलर ओपन करते हैं, जैसे कि आपको बताया, तो भुवनेश्वर कुमार जो है वो जॉस बटलर के सामने हो सकते हैं। एक तो जॉस बटलर को भुवनेश्वर कुमार जल्दी आउट कर देंगे, जैसे कि 3 बार आउट किया, या फिर हो सकता है कि फ्लॉप हो जाएंगे तब भी भुवनेश्वर कुमार डेथ में बॉलिंग करने के लिए आएंगे और विकेट निकाल सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। उसके बाद मोइन अली की अगर बात करेंगे तो आप देख सकते हैं अक्षर पटेल ने मोइन अली को 2 बार आउट किया है और हर्षल पटेल ने भी मोइन अली को 2 बार आउट किया है। तो अक्षर पटेल 4 ओवर के बाद आ सकते हैं 4 ओवर के बाद, और हर्षल पटेल की बात करेंगे तो ये भी मेरे हिसाब से 4 ओवर के बाद आपको देखने वाले हैं दोस्तों। तो ये आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा प्लेयर बैटल।
उसके बाद दोस्तों बात अगर करेंगे इंडिया के बैट्समैन है और यहाँ पे देखा जाए तो इंग्लैंड के बॉलर्स, तो यहाँ पे कोई प्लेयर बेटर नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा ही कहता हूँ कि अगर एक बार कोई आउट करता है, जैसे कि मान लीजिए कि सैम करन ने सूर्य कुमार यादव को सिर्फ दो बार आउट किया, तो ये प्लेयर बेटर बनेगा दो बार आउट किया तो। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि सैम करन अगर सूर्य कुमार यादव को सिर्फ एक बार आउट करते तो इसका मतलब प्लेयर बैटल नहीं बनता, ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ पे प्लेयर बैटल नहीं लिखा है, क्योंकि बहुत से जैसे कि रोहित शर्मा हो गया, हार्दिक पांड्या हो गया, या फिर सूर्य कुमार यादव या फिर दीपक हुडा, ऐसे जो प्लेयर है उनको सिर्फ एक ही बार आउट किया है इंग्लैंड के बॉलर्स ने, इसलिए मैंने यहाँ पे ज़्यादा प्लेयर बैटल नहीं लिखा है दोस्तों। तो सैम करन की बात करेंगे, सूर्य कुमार यादव को दो बार आउट किया है। ग्रैंडली के प्लेयर्स को मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले इंपॉर्टेंट हो गया दिनेश कार्तिक, ठीक है, ये जो पिच है इस पिच पे बैट्समैन प्लस बॉलर दोनों को भी सपोर्ट मिल रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अगर टॉस के बाद हमें फाइनल पिच रिपोर्ट में पता चलता है कि इस पिच पे जो है वो बैट्समैन को ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, तो दिनेश कार्तिक मेरे हिसाब से ग्रैंड लीग में उतना ज़्यादा पॉइंट नहीं देंगे। लेकिन अगर बैट्समैन प्लस बॉलर को सपोर्ट देगा मिलेगा तो इंडिया के विकेट जाएंगे, इंडिया के 5 से लेकर 6 विकेट जा सकते हैं। ऐसे में दिनेश कार्तिक जो है वो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने के लिए आएंगे और आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पे पॉइंट दे सकते हैं। फिलिप सॉल्ट की बात करेंगे, 6 नंबर पे आएंगे, सेम दिनेश कार्तिक का जैसे बताया वही उसी तरह से होने वाला है, क्योंकि इंग्लैंड के भी विकेट जाने वाले हैं। सूर्य कुमार यादव की बात करेंगे, 3rd नंबर पे आएंगे, कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं। देखिए इनका फॉर्म जो उतना अच्छा नहीं है सूर्य कुमार यादव का, लेकिन एक अच्छे टेक्निकली बैट्समैन अच्छे हैं जो स्कोर कर सकते हैं। डेविड मिलान को भी आप यहाँ पे 3rd नंबर पे आएंगे, कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं। सैम करन की बात करेंगे, इनको वाइस कैप्टन बना सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि ये ओपनिंग में बॉलिंग करेगा और शायद इनको एक आध विकेट मिल सकता है। अक्षर पटेल की बात करेंगे, तो अगर स्पिनर को सपोर्ट मिलेगा तो अक्षर पटेल को भी 2 विकेट मिल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये 6 प्लेयर ग्राइंडिंग में आपको दिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर बात करेंगे तो ये 4 बॉलर ऐसे हो गए जिनमें से कोई ना कोई बॉलर 2 से लेकर 3 विकेट जरूर निकालेगा। अब दोस्तों टीम इल्स की बात करेंगे, कंटिन्यूसली विकेट निकाल रहे हैं तो इनको भी आप ट्राई कर सकते हैं। मैंने ग्रैंडली के टीम्स में ट्राई किया है, 6 ही टीम में ट्राई किया, तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। उसके बाद टोपले को आप ट्राई कर सकते हैं, मैट पार्किंसन और उमरान मलिक को ट्राई कर सकते हैं जब इंडिया की टीम पहले बॉलिंग करने का डिसीजन ले सकते हैं। तो ये 4 बॉलर ऐसे होंगे जिनको आपको ग्रैंडली की किसी भी टीम में आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। स्कोर कार्ड की अगर बात करेंगे तो आपको दोस्तों यहाँ पे वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट निकाल लेना चाहिए, काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि लास्ट के 5 मैचेस का रिकॉर्ड हमारे पास है। जैसे कि आपको यहाँ पे मोइन अली का आपने यहाँ पे स्क्रीनशॉट निकाल दिया इंग्लैंड का, तो आपको पता चलेगा कि मोइन अली लास्ट के 5 मैचेस में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 2 विकेट निकाले, 3 विकेट निकाले, यहाँ पे विकेट नहीं मिला, यहाँ पे विकेट नहीं मिला। और आपको ये भी पता चलेगा कि स्क्रीनशॉट निकालने के बाद कि यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और ये 5 इंग्लैंड के पास 5 मेन बॉलर होने के बाद लिविंगस्टोन और मोइन अली ये 6th बॉलिंग ऑप्शन और 7th बॉलिंग ऑप्शन मोइन अली होने वाले। ये आपको पता कब चलता है, जब आपके पास स्क्रीनशॉट होता है। इसलिए मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहता हूँ कि आपको स्क्रीनशॉट निकाल देना चाहिए। उसके बाद आपको इंडिया का भी स्क्रीनशॉट निकाल देना चाहिए। जैसे कि आपने स्क्रीनशॉट निकाल दिया है तो अब यहाँ पे बात करेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन की। हार्दिक पांड्या, जेसन रॉय, डेविड विले है, हर्षल पटेल, युजवेंद्र चहल कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन आपको ग्राइंडिंग में या फिर मेगा लीग में ट्राई करना चाहिए। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे टीम दिखा देता हूँ। ऑलरेडी हमने यहाँ पे 6 टीम्स बनाई हैं, लेकिन एक एक टीम ओपन करने से अच्छे मैं यहाँ पे आपको फर्स्ट टीम बता देता हूँ। ये जो फर्स्ट टीम है ये स्मॉल लीग में भी लगा सकते हैं प्लस ग्राइंड लीग में भी लगा सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने कोई बड़ा रिस्क नहीं लिया है। सेकंड टीम की बात करेंगे तो सेकंड टीम में मैंने रिस्क लिया, ईशान किशन को कैप्टन बना दिया है, और दोस्तों यहाँ पे अगर देखा जाए वाइस कैप्टन युजवेंद्र चहल को बना दिया है। अब ये दोस्तों टीम जो मैंने बनाई है इंडिया के फेवर में बनाई, अगर इंडिया पहले बॉलिंग करने का डिसीजन लेती है और यहाँ पे बॉलर्स को अगर सपोर्ट मिलता है तो इंडिया की टीम के बॉलर जो है वो विकेट निकाल सकते हैं। लेकिन अगर बात करेंगे सेकंड इनिंग की तो सेकंड इनिंग में यहाँ पे जो है पार्किंसन और क्रिस जॉर्डन ये विकेट निकाल सकते हैं। तो पहली टीम में आप देख सकते हैं क्या किया, पहली टीम में मैंने दीपक हुडा को लिया था लेकिन रोहित शर्मा को यहाँ पे ड्रॉप नहीं किए लिया नहीं है। लेकिन सेकंड टीम में मैंने दीपक हुडा को ड्रॉप किया लेकिन रोहित शर्मा को पिक किया। पहली टीम में मैंने क्या किया, यहाँ पे हार्दिक पांड्या को लिया है, सैम करन को लिया, लेकिन सेकंड टीम में आप देख सकते हैं हार्दिक पांड्या और सैम करन दोनों को मैंने ड्रॉप किया है। और देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल और पार्किंसन, इन 3 प्लेयर को मैंने टीम में ट्राई किया दोस्तों। तो ये मेरी सेकंड टीम है। थर्ड टीम की अगर बात करेंगे दिनेश कार्तिक को ट्राई किया, क्योंकि अगर हम बात करेंगे तो जॉस बटलर भी फ्लॉप हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि जॉस बटलर चलेंगे तो हमारी इस टीम में भी है, इस टीम में भी जॉस बटलर है, वो भी कैप्टन है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर फ्लॉप हो गए तो हमारी कोई तो टीम चलनी चाहिए, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्ड टीम जो है वो यहाँ पे दिनेश कार्तिक को पिक किया जो कि 6 नंबर पे आएंगे, क्योंकि इंडिया के भी विकेट जा सकते हैं और जॉस बटलर भी जल्दी आउट हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे अगर जो पिच रिपोर्ट की बात अगर करेंगे तो पिच पे जो बाउंड्रीज है वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग बाउंड्रीज है, ऐसे में बॉल ट्रैवल करने के लिए काफ़ी समय लगता है और जो स्कोर बनता है वो 150 से लेकर 160 का बनता है। हाई स्कोरिंग ग्राउंड नहीं है ये, तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि शायद बैट्समैन को उतना ज़्यादा मतलब एडवांटेज मिलेगा, हो सकता है बॉलर्स को सपोर्ट मिले। यहाँ पे अगर देखा जाए तो दीपक हुडा को कैप्टन, वाइस कैप्टन मोइन अली को बनाया, अक्षर पटेल को लिया है, सैम करन को, यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैंने
हार्दिक पांड्या को ड्रॉप किया है, डेविड मलान मेरी टीम में होने वाले, थोड़ा बहुत रिस्क लिया है। और दोस्तों यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तीन बॉलर लेने का मतलब क्या है, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद यहाँ पे जो पिच होगी वो एक न्यूट्रल पिच होगी, यहाँ पे बैट्समैन को भी सपोर्ट मिलेगा साथ ही साथ बॉलर्स को भी मिलेगा। तो हर्षल पटेल, युजवेंद्र चहल मेन बॉलर हो सकते हैं, साथ ही साथ पार्किंसन पे रिस्क लिया है। और अगर हम बात करेंगे अक्षर पटेल, सैम करन ये भी बॉलिंग करने वाले हैं। फोर्थ टीम की अगर बात करेंगे, रोहित शर्मा और युजवेंद्र हर्षल पटेल एक ही टीम के मैंने कैप्टन वाइस कैप्टन बनाए हैं। अब दोस्तों बात अगर करेंगे तो हो सकता है कि जैसे कि मान लीजिए कि इंडिया की टीम पहले बैटिंग करने का डिसीजन लेती है और यहाँ पे रोहित शर्मा अच्छा अगर फॉर्म में होते हैं चलते हैं तो 50 रन की अगर पारी खेल देते हैं ये तो कैप्टन के लिए बेस्ट ऑप्शन होने वाले हैं। लेकिन सेकंड इनिंग की अगर इंडिया ने यहाँ पे 170 रन का टारगेट दिया इस पिच पे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा टारगेट माना जाएगा। लेकिन सेकंड इनिंग की अगर बात करेंगे तो अगर इंग्लैंड के 2 से 3 विकेट पहले पावर प्ले में चले जाते हैं तो ऐसे में हर्षल पटेल विकेट निकाल सकते हैं, युजवेंद्र चहल, और मेरे हिसाब से अगर इंडिया विन करेगी तो ये टीम आपको देखने को मिल सकती है क्योंकि हमारे पास तीन बॉलर ऑलरेडी अवेलेबल है दोस्तों यहाँ पे। उसके बाद अगर बात करेंगे यहाँ पे फिफ्थ टीम की तो दिनेश कार्तिक, जॉस बटलर दोनों को पिक किया है। और ये जो टीम है ये न्यूट्रल टीम है, न्यूट्रल टीम मतलब बैलेंस टीम कहेंगे हम। दीपक हुडा को लिया, ईशान किशन को, जेसन रॉय को भी लिया है। यहाँ पे मोइन अली को वाइस कैप्टन, कैप्टन हार्दिक पांड्या को बना दिया है। उसके बाद दोस्तों सिक्स टीम की बात करेंगे जो कि लास्ट टीम होने वाली है, जॉस बटलर कैप्टन, वाइस कैप्टन दीपक हुडा है। और बात अगर करेंगे यहाँ पे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सैम करन को लिया, हार्दिक पांड्या को लिया, लेकिन अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे मोइन अली को मैंने ड्रॉप किया है इस टीम में। और अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे दो प्लेयर मैंने लिए है इंग्लैंड की तरफ से, दो बॉलर लिए है, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो इंडिया की तरफ से दो बॉलर लिए। लेकिन सभी टीमों जो है दोस्तों तेमो टीम है, क्योंकि जब यहाँ पे टॉस होगा और टॉस के बाद हर टीम में कुछ ना कुछ चेंजेस हो सकते हैं। जैसे कि इस टीम में आपको पार्किंसन दिख रहे हैं, ठीक है, हो सकता है कि पार्किंसन ना खेले, या फिर इस टीम में आपको कुछ और प्लेयर दिख सकते हैं तो इसमें भी कुछ और प्लेयर मतलब प्ले ना करे, तो कुछ ना कुछ चेंजेस होने वाले हैं दोस्तों। ये सिक्स टीम होने वाली है, ये फिफ्थ टीम होने वाली है, फोर्थ टीम होगी, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, और ये सभी टीम मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और टीम टेलीग्राम चैनल पे जो टीम मिलेगी लास्ट के 15 मिनट में आपको अपडेट करके मिलेगी, और अपडेट करने के बाद भी आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ एक से लेकर दो चेंजेस करना है। अगर आपको लगता है तो आप चेंजेस कीजिए, लेकिन कॉपी पेस्ट मत करना। अगर आप कॉपी पेस्ट करोगे तो आपका रैंक शायद उतना अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि होता है जैसे कि आप दोस्तों यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हो बिना इन्फॉर्मेशन के। लेकिन जो भाई मेरे पहले काफ़ी दिनों से मेरे साथ जुड़े हुए उनको पता है कि 90% जब मैं आपको टीम रेडी करके देता हूँ तो सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ 10% चेंज करता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये जो टीम है ये मैंने आपको टीम प्रोवाइड कर दी, ठीक है, ये 90% टीम रेडी है, अब टॉस हुआ है, 90% मैंने आपको टीम रेडी करके दी। अब अगर मुझे टीम मिलती है, कोई बंदा मुझे टीम प्रोवाइड कर रहा है फ्री में, या फ्री में की बात कर रहा हूँ, किसी से भी पेड टीम कभी भी नहीं लेना है, फ्री टीम अगर मुझे प्रोवाइड करता है तो मैं क्या करूँगा, जिस बंदे ने मुझे 90% टीम रेडी करके दी तो मुझे लगता है कि नहीं यार रोहित शर्मा को नहीं लेना चाहिए, दीपक हुडा को ही लेना चाहिए, तो मैं इसमें एक चेंज करूंगा दीपक हुडा, बस हो गया। तो मेरा क्या किया मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैंने 10% रिस्क लिया है। अगर मुझे लगता है कि इस टीम में मुझे नहीं यार मोइन अली को मुझे वाइस कैप्टन नहीं बनाना चाहिए, मुझे लिविंगस्टोन को वाइस कैप्टन बनाना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे रिस्क लिया, तो यहाँ पे मैंने 10% रिस्क लिया। तो ऐसे आपको रिस्क लेना चाहिए टॉस के बाद, ठीक है, कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों। और 50,000 रुपये का गिव अवे, तो गिव अवे ज्वाइन करना दोस्तों, साथ ही साथ स्मॉली का वीडियो जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पे जो बेल का आइकन इस पर क्लिक जरूर करना, ताकि जब भी कोई नया वीडियो सबसे पहले आपको पता चले। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।